क्वेश्चन नंबर 9, क्यूब रूट ऑफ 250. सबसे पहले इसको हम लिख लेंगे 10 इंटू एक्स के फॉर्म में. ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई एक्स मीन्स 25. तो देखिए ये क्यूब रूट ऑफ 10x के फॉर्म में आ गया. तो हम इसकी वैल्यू जो है क्यूब रूट टेबल से आसानी से फाइंड कर सकते हैं. देखिए यहाँ पर 25 है और 10x के कॉलम में देख लेंगे, 25 के रो में, तो आपको मिलेगा 6.300. ये वाली वैल्यू मीन्स यहाँ पर हो जाएगी वैल्यू 6.300, छोड़ दीजिए 00 से कोई वैल्यू मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. 6.3 इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 5112 क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू. यहाँ पर पहले फैक्टराइज कर लीजिए और देखिए कि इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आते हैं. यदि हम फैक्टराइज करेंगे तो आपको मिलेगा 5 इतना. और यहां से आप देख सकते हैं कि 2 को आप बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि यहां पर ट्रिपलेट बन चुका है, लेकिन आप इसका 3 का नहीं बना पाएंगे. इसीलिए क्या करेंगे कि इसको क्यूब रूट के अंदर ही रखेंगे. क्यूब रूट ऑफ 3009 मल्टीप्लाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 71, सबको अलग अलग कर लेंगे ऐसे. अब देखिए क्यूब रूट ऑफ 9 आप फाइंड कर सकते हैं टेबल से और 71 का भी क्यूब रूट आप फाइंड कर सकते हैं. यहाँ वैल्यू रख देते हैं फाइंड करके. तो क्यूब रूट ऑफ 9, क्यूब रूट ऑफ 9 जो है आपका यहाँ मिल जाएगा, देखिए 2.080 मल्टीप्लाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 71. ओके 71 इज हियर. तो 4. ये आपका है 4.141. यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी 17.22656. लेकिन आपको क्या करना है कि इसको राउंडिंग ऑफ करके 3 डेसिमल प्लेसेस तक ही आंसर निकालना है आपको. देयरफॉर ये हो जाएगा, राउंडिंग ऑफ करेंगे 3 डेसिमल प्लेस पर तो मिलेगा 17.22. देखिए यहाँ 5 है इसलिए यहाँ पर राउंडिंग ऑफ करेंगे, जो 5 6 को हटाएंगे यहाँ मिल जाएगा 227. सो दिस इज योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 10, 9800 क्यूब रूट ऑफ 9800 इज इक्वल टू दिस मच इज इक्वल टू. देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, ये 100x के फॉर्म में इसको चेंज कर लेंगे. सो क्यूब रूट ऑफ लिख सकते हैं इसको हम 100 टाइम्स 98, तो 100x के फॉर्म में आ गया. तो हमें देखना है क्या क्यूब रूट ऑफ 100x के कॉलम में 98 वाले रो में कौन सा नंबर है. तो हम देख लेते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर 98 वाले 100x के कॉलम में नीचे यहाँ पर 21.40 मिल गया आपको. यहाँ पर 21.40 इज योर आंसर. 21.40. ओके क्वेश्चन नंबर 12. तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको 732 जो है आप फाइंड नहीं कर सकते क्यूब रूट टेबल से. तो करना क्या है कि हमें देखना होगा कि 732 किन दो नंबर्स के बीच में लाई करता है, और हम उन्हीं दो नंबर्स को ढूंढेंगे जिनका हम क्यूब रूट टेबल से फाइंड कर सकते हैं क्यूब रूट. ठीक है, तो हम जानते हैं सिंस हम लिख सकते हैं कि 732 लाइज बिटवीन 730 एंड 740. ठीक है, यदि 732 इन दोनों के बीच में लाई करता है तो इसका मतलब यह है कि 732 का जो क्यूब रूट है वो भी इन दोनों के क्यूब रूट के बीच में लाई करेगा. इट इम्प्लाइज क्यूब रूट ऑफ 730 लाइज बिटवीन दीज टू, क्यूब रूट ऑफ 732. ठीक है, तो हम देख लिए कि 732 जो है इसका क्यूब रूट जो है 730 और 740 के बीच में लाई करता है. अब टेबल से हम फाइंड कर लेंगे कि 730 और 740 का क्यूब रूट क्या होगा. तो यहाँ से हम जाते हैं, तो देख रहे हैं आप 773 यहाँ है, 74 यहाँ है, इसके टेंस वाले कॉलम में देखना पड़ेगा आपको. तो इसके टेंस वाला कॉलम ये है 10x क्यूब रूट ऑफ 10x, और इसके नीचे देखेंगे आप 9.004 है और 9.045 है. ठीक है,
तो इसका हम यूज़ कर लेते हैं, इसकी वैल्यू है 9.004 इज लेस देन क्यूब रूट ऑफ 732 इज लेस देन, यहाँ पर है 9.045। ओके अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इन दोनों का जो क्यूब रूट हमने निकाला है तो ये दोनों आया, यहाँ से हम फाइंड करना चाहते हैं कि 732 का क्या होगा, तो 732 का एक्चुअली हम फाइंड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे केवल ये जो दो डिफरेंस है, देखिए यहाँ पर 30 यहाँ पर है यहाँ 40 है, मीन्स 730 और 740 का जब डिफरेंस है तो जो क्यूब रूट में डिफरेंस आएगा वो भी हम फाइंड कर सकते हैं, और जो भी यहाँ पर जो नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस रहता है और जो उनके क्यूब रूट का जो डिफरेंस होता है वो दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, एक बार और मैं बता देता हूँ, जो नंबर्स हैं कोई भी नंबर आप ले लीजिए दो नंबर, ठीक है, और उन दोनों का क्यूब रूट निकाल लीजिए, तो जो दो नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस रहेगा, जैसे यहाँ पर 10 का डिफरेंस है, 30 और 40 है ना, 10 का डिफरेंस है, जो डिफरेंस रहेगा नंबर्स में वो प्रोपोर्शनल होता है नंबर्स के क्यूब रूट के डिफरेंस के, मतलब इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या होता है, जैसे कि प्रोपोर्शनल होने से क्या हो सकता है कि आप यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं, ठीक है, और जितने की वैल्यू आपको चाहते हैं उतने की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको बताते हैं हमें कैसे लिखेंगे, यहाँ पर तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि देखिए नंबर्स में 10 डिफरेंस है, तो डिफरेंस ऑफ 10, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं बिटवीन नंबर, ठीक है, नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है 10 का वो प्रोड्यूस कर रहा है 9.045 माइनस इतना 9.004, इन दोनों में डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस आप जानते हैं कैसे निकालते हैं, मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले घटाते हैं, तो ये बड़ा है इससे इसलिए मैंने ऐसा किया। अब देखिए 10 का डिफरेंस यदि प्रोड्यूस कर रहा है इतना डिफरेंस, ठीक है, मीन्स हम यहाँ पर शॉर्टकट में लिखे हैं तो ऐसे कर सकते हैं, 10 का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर पैदा कर रहा है कितना, यहाँ माइनस करेंगे मिलेगा आपको 0.041, ठीक है, 0.041 आपको वैल्यू मिल रहा है 10 के डिफरेंस से नंबर्स में, तो हमें केवल निकालना है 2 का डिफरेंस, है कि नहीं, यहाँ देखिए 2 है ना, 730 में केवल 2 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 732, तो यहाँ पर आपको 10 का डिफरेंस नहीं निकालना बल्कि 2 का डिफरेंस निकालना है, कि मतलब 2 के डिफरेंस में कितना आएगा, और जितना भी आएगा वो केवल आप 730 में ऐड करेंगे इसमें तो आपका आंसर एक्चुअल आ जाएगा, मींस इसका क्यूब रूट आ जाएगा। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कैसे करेंगे, तो 10 का क्यूब रूट यदि 10 का डिफरेंस यदि रहता है तो 0.041 आपके डिफरेंस आ रहा है क्यूब रूट में, तो 1 का डिफरेंस आप निकाल सकते हैं, यहीं पर आप यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हैं, तो 1 का डिफरेंस आप निकाल सकते हैं कि एक नंबर का डिफरेंस रहेगा, जैसे कि मैं कहने का मतलब है कि 730 हो और 731 हो, इन दोनों के बीच में यदि 1 का डिफरेंस है तो इनके क्यूब रूट में डिफरेंस कितना आएगा वो यहाँ पर निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो 1 का डिफरेंस यदि रहेगा तो यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 10 से, यहाँ भी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ भी करना, तभी तो 1 आएगा यहाँ पर, तो यहाँ भी डिवाइड करिए 0.041 होल अपॉन 10, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ पर हमें मिल गया इतना, 1 का डिफरेंस इतना आ गया, हमें निकालना है 2 का डिफरेंस, तभी हम निकाल सकते हैं, तो 2 का जब डिफरेंस रहेगा नंबर्स में, कहने का मतलब है कि मैं हम लोग ये निकाल रहे हैं 730 और 732, इनमें डिफरेंस 2 का है, तब जाकर के हम देखना चाहते हैं कि इनके क्यूब रूट के बीच में क्या डिफरेंस है, मतलब इसके और इसके बीच में, इन दोनों के क्यूब रूट के बीच में क्या डिफरेंस है, और जो डिफरेंस फाइंड हो जाएगा तो उसको बस ऐड करना होगा इसमें, यदि हम इसमें ऐड कर देंगे तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, ओके। तो 2 का डिफरेंस निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, देखिए 1 में यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 2 आएगा, फिर यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब बोथ वेज जो है आपको बैलेंस करते चलना है, तो 0.041 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 वन जो 2 हो जाएगा, 2 5 जो 10 हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर दीजिए, इसमें मिलेगा आपको 0.0 नहीं जा पाएगा तो 0 बढ़ाएंगे, 5 8 जा, ठीक है, 40 हो जाएगा, 5 2 जा 10, तो आपका आएगा 0.0082, ओके। तो अब ये जो डिफरेंस आ गया 2 का, वही ऐड करना है बस इसमें, इसके वैल्यू में, मतलब इसमें 9.004 में ऐड करना है, तो हम लिख लेंगे हैंस, यहाँ पर मतलब आंसर लिखेंगे हैंस क्यूब रूट ऑफ 732 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 730 प्लस वैल्यू
डिफरेंस ऑफ टू, ठीक है, जो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ टू में जो वैल्यू आई है बस उसी को ऐड कर देंगे, आपको मिल जाएगा क्यूब रूट ऑफ 732। यहाँ पर 730 की वैल्यू तो पता है ये, तो यहाँ लिख लेंगे 9.004 प्लस वैल्यू ऑफ डिफरेंस कितना है, ये आया है 0.0082। यदि आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो मिलेगा आपको 284.12 को 2, 1 कैरी ओवर और ये हो जाएगा 0.9, मीन्स 9.0122 आएगा, ठीक है। तो करना क्या है कि यहाँ पर आपको केवल 3 डेसिमल प्लस तक निकालना है, तो ये जो लास्ट वाला जो 2 है इसको हम इग्नोर कर देंगे। सो हमारा जो अप्रोक्सीमेट जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा 9.012, ठीक है, दिस इज योर आंसर। तो आपको समझ में आ गया वो क्या करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।